अब आपको दिखाते हैं कोरोना का बढ़ता कहर। कोरोना से पसरा भारत में सन्नाटा। स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, बार, रेस्टोरेंट बंद। कोरोना से मंदिर, जिम, बाजार भी हुए बंद। लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल हो गए बंद। कोरोना ने देश में कर्फ्यू लगवा दिया। और कोरोना वायरस अब देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब तक ये संख्या 141 तक पहुंच गई है। दिल्ली से लेकर केरल तक दहशत फैल रही है, कोरोना पश्चिम बंगाल तक भी पहुंच चुका है। यूनिवर्सिटी बंद, स्कूल में ताला, सिनेमा घरों का गिरा पर्दा, मॉल में लगे ताले, मंदिरों के पट किए गए बंद। भीड़ से लोगों ने किया तौबा। कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए एहतियात तो बहुत उठाए जा रहे हैं, लेकिन चिंता इस बात की है कि कोरोना वायरस के शिकार लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। देश में कोरोना मरीजों की तादाद अब 139 तक पहुंच गई। इनमें 24 विदेशी हैं, जबकि 3 लोगों की जिंदगी को कोरोना ने लील लिया है। ये आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं। कोरोना से शिकार लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। कोलकाता में कोरोना से संक्रमित पहला मरीज मिला। संक्रमित शख्स लंदन से भारत आया था। आगे बढ़े उससे पहले पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर डालिए। महाराष्ट्र में कोरोना के 39 केस पॉजिटिव हैं। दिल्ली में 9 मरीज, कर्नाटक में 11, केरल में 26, उत्तर प्रदेश में 15, लद्दाख में 6, जम्मू कश्मीर में 3, तेलंगाना में 5, हरियाणा में 15, राजस्थान में 4 और तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड में 1-1 मरीज। पैनिक नहीं करते हुए, अवेयर होते हुए क्या प्रिकॉशंस लें कि हम इसे मैनेज कर सकें, दैट शुड बी आर टारगेट। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, अगर कभी भी सरकार को लगेगा, जैसे कि मेरे कुलीग ने कहा कि ये बड़ी इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो जो स्टेप सरकार को लेने की जरूरत होगी सरकार लेगी। अब सवाल उठता है कि कोरोना के बढ़ते केस के बीच इससे बचाव कैसे किया जाए। कोरोना से निपटने के लिए सरकारें 3 स्तर पर काम कर रही हैं। पहला, कोरोना पीड़ित लोगों की पहचान करना। पहचान होने के बाद मरीज और उसके संपर्क में आए लोगों को आइसोलेशन वार्ड में डालकर इलाज करना। और तीसरा, लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना। यही वजह है कि एहतियात के तौर पर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, स्कूल, कॉलेज 2 अप्रैल तक बंद। दिल्ली में 31 मार्च तक जिम, नाइट क्लब बंद। मुंबई में पब, बार, स्कूल, कॉलेज, मॉल सब बंद हैं। देश भर के स्मारक, पुरातत्व स्थलों, संग्रहालयों को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है। गुरुग्राम प्रशासन ने सभी बीपीओ, मल्टीनेशनल कंपनी और उद्योगपतियों से अपील की है कि वे घर से ही काम करें। 15 दिनों के लिए झारखंड हाईकोर्ट में सिर्फ जरूरी केसों की सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग पर भी रोक लगा दी गई है, तो गुजरात के वडोदरा में भी बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने 50 लोगों को एक साथ जमा होने पर रोक लगा दी है। पश्चिम रेलवे ने दर्जन भर रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम कई गुना तक बढ़ा दिए। सरकार की सारी कोशिश भीड़ को कम करने की है। इतना ही नहीं, केंद्र और राज्य सरकारों ने साफ सफाई की मुहिम छेड़ दी है। मेट्रो, सरकारी बसों, ट्रेन और दफ्तरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना से लड़ने के लिए ये जरूरी है कि आम लोग भी जागरूक हो जाएं। कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है।
और ये लड़ाई जिम्मेदारी से भागने और लापरवाह बने रहने से कतई नहीं जीती जा सकेगी। आज तक ब्यूरो। चिराग गोठी हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। चिराग, दिल्ली में किस तरह से रोकथाम के जो तमाम कदम उठाए हैं वो काफी हैं या नाकाफी हैं? लोगों से अगर बातचीत हुई हो उनका क्या कहना है, किस तरह से दिल्ली सरकार के उठाए गए कदमों से वो खुश हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से दिल्ली सरकार ने तमाम उपाय किए हैं, 31 तारीख तक जो है वो एक तरह से कहा जाए तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, पब्स हैं, तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया, तो एक तरह से ये एक अच्छी कवायद है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, सैनिटाइज किया जा रहा है, कल दिल्ली सरकार का भी जो ऑफिस है वहाँ भी सैनिटाइज किया गया उनको, और बाकायदा हर जगह सैनिटाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है। दिल्ली में जो है 9 केसेस सामने आए हैं जिनमें से एक की डेथ हुई थी, जो दिल्ली के जनकपुरी इलाके में रहने वाली एक महिला थी। हालांकि यहाँ काफ़ी अवेयरनेस है लोगों में, लेकिन बात वही है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है जिससे कि इसको दूर किया जा सके। और लगातार जो हमारी बात हुई है एक्सपर्ट से भी, डॉक्टर से भी, उनका यही कहना है कि जो इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं ऐसे में संपर्क ना हो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, जितना हो सके मास्क का यूज़ करें, हाथों को सैनिटाइज करें, कई बार धोएं, और जितना हो सके जो पब्लिक गैदरिंग प्लेस है वहाँ अवॉइड करें। मैं इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। यहाँ पर अमूमन इस समय नेहा हल्की हल्की भीड़ भी शुरू होती थी, ट्रैफिक भी शुरू होता, लेकिन आज बिल्कुल अलग माहौल है। यहाँ पर जो है वो लोग भी कम नजर आ रहे हैं, तो एक अच्छी बात है क्योंकि जहाँ गैदरिंग ज़्यादा होगी वो एक प्रॉब्लम है। और इसी वजह से दिल्ली सरकार ने भी 50 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग पर भी मनाही कर दी है, यानी स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं, खासकर महिलाओं को, बच्चों को और जो बुजुर्ग महिलाएं उनको ध्यान रखने की खास जरूरत है, क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है उनको ये वायरस जो है चपेट में ले रहा है। तो ऐसे में जितना हो सके घरों में रहें, अवॉइड करें बाहर जाना। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो तमाम कवायद की जा रही है कि स्टेज 2 से स्टेज 3 पर कोरोना ना पहुंचे। महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है, और इस महामारी को बनने से रोकने के लिए उद्धव ठाकरे की सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है। देश में कोरोना वायरस का कहर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही देखा जा रहा है। मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वहीं 63 साल के एक मरीज की कस्तूरबा अस्पताल में मौत हो गई। वो दुबई से आए थे और उन्हें कई और बीमारियां भी थी। वहीं कोरोना वायरस की ये बीमारी राज्य में महामारी का रूप न ले, इसके लिए उद्धव सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को कोई छुट्टी नहीं है, ट्रेन और बस पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन जनता ने अगर अनावश्यक यात्रा को नहीं टाला तो उसे बंद करने का फैसला भी ले सकते हैं। आज देखील आम्ही बस किंवा ट्रेन बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, पण आवाहन माझं हेच आहे की अनावश्यक प्रवास हा सर्वांनी टाळला पाहिजे, गरज नसेल तर घराबाहेर पडू नका। पुढचा जो काही 15-20 दिवसाचा कालखंड आहे तो आपल्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे। ह्या महत्त्वाच्या कालखंडामध्ये जनतेने स्वतःहून स्वयंशिस्त पाळण्याची आवश्यकता आहे। लोकल ट्रेनों में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं, ये मुंबई की लाइफलाइन है, लेकिन कोरोना वायरस के कहर के चलते खतरे की सबसे बड़ी वजह बन गई है। लिहाजा जब भी ये वार्ड में लौटती हैं इन्हें अच्छी तरह साफ किया जाता है, फिर इनमें सैनिटाइज का स्प्रे किया जाता है। मुंबई में मॉल, स्कूल, कॉलेज पहले से ही बंद कर दिए गए हैं। बीमारी की मार मंदिरों पर भी पड़ी है। सिद्धि विनायक मंदिर में सन्नाटा है, श्रद्धालुओं के लिए इसके दरवाजे बंद कर दिए गए। हालांकि शिरडी के साई मंदिर को बंद नहीं किया गया है। ट्रस्ट ने कहा है कि जब तक आदेश नहीं आता वो मंदिर को बंद नहीं करेंगे। ऐसा ही डर मुंबई के मरीन ड्राइव पर देखने को मिला। अक्सर जहां अच्छी खासी भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन अब यहां लोगों की तादाद काफी कम हो गई है। मुंबई में फिल्मों और सीरियल की शूटिंग भी रोक दी गई है, लिहाजा फिल्म सिटी के तमाम सेट पर ताला लगा है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस पुणे में सामने आए हैं। यहां सारे स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। पुणे के दगड़ूसेठ मंदिर को बंद कर दिया गया है। वहीं पुणे की ऐतिहासिक धरोहर शनिवारवाड़ा को कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए बंद कर दिया गया है।
पुणे में पंकज खेलकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।